नमस्कार दोस्तों, देव के म्यूजिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए सुनते हैं गीता ज्ञान की बातें, आपकी जिंदगी बदल देगी। साहस न हो तो हथियार व्यर्थ हैं और होश न हो तो जोश व्यर्थ हैं। विनम्रता न हो तो विद्या व्यर्थ है। उपयोग में न आए तो धन व्यर्थ है। गुण न हो तो रूप व्यर्थ है। भूख न हो तो भोजन व्यर्थ है। परोपकार न करने वालों का जीवन व्यर्थ है। गुस्सा अक्ल को खा जाती है। अहंकार मन को खा जाता है। चिंता आयु को खा जाती है। रिश्वत इंसाफ को खा जाती है। लालच ईमान को खा जाता है। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है, वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है, गन्ने में गुड़ है, उसी प्रकार यदि आप ठीक से देखते हो तो हर व्यक्ति में परमात्मा है। दीपक अंधेरे का भक्षण करता है, इसलिए काला धुआं बनाता है। इसी प्रकार हम जिस प्रकार का अन्न खाते हैं, मन सात्विक, राजसिक, तामसिक, और उसी प्रकार के हमारे मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर पर मालिश करने के बाद, शमशान में चिता का धुआं शरीर पर आने के बाद, संभोग करने के बाद, दाढ़ी बनाने के बाद, जब तक आदमी नहा ना ले चंडाल बना रहता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जल अपच की दवा है। जल चैतन्य निर्माण करता है। यदि उसे भोजन पच जाने के बाद पीते हैं तो पानी को भोजन के बाद तुरंत पीना विष पीने के समान है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह आदमी अभागा है जो अपने बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु देखता है। वह भी अभागा है जो अपनी संपदा संबंधियों को सौंप देता है। वह भी अभागा है जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं है। संतोष के समान कोई सुख नहीं है। लोभ के समान कोई रोग नहीं है। दया के समान कोई गुण नहीं है। नीति भ्रष्ट होने से सुंदरता का नाश हो जाता है। हीन आचरण से अच्छे कुल का नाश हो जाता है। पूर्णता न आने से विद्या का नाश हो जाता है। उचित विनियोग के बिना धन का नाश हो जाता है। जो जल धरती में समा गया वह शुद्ध है। परिवार को समर्पित पत्नी शुद्ध है। लोगों का कल्याण करने वाला राजा शुद्ध है। वह ब्राह्मण शुद्ध है जो हमेशा संतुष्ट रहता है। असंतुष्ट ब्राह्मण, असंतुष्ट राजा, लज्जा रखने वाली वेश्या, कठोर आचरण करने वाली गृहिणी, ये सभी लोग विनाश को प्राप्त होते हैं। क्या करना ऊंचे कुल का यही यदि बुद्धिमत्ता ना हो तो एक नीच कुल में उत्पन्न होने वाले विद्वान व्यक्ति का समान देवता भी करते हैं। जो लोग दिखने में सुंदर हैं, जवान हैं, ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, वो बेकार हैं। यदि उनके पास विद्या नहीं है वो तो पलाश के फूल के समान हैं। जो दिखते तो अच्छे हैं पर कभी महकते नहीं। उस यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं जिसके उपरांत लोगों को बड़े पैमाने पर भोजन ना कराया जाए। ऐसा यज्ञ खत्म कर देता है, उसे खत्म कर देता है। यदि पुरोहित और यज्ञ लोगों को दान एवं भेंट वस्तु ना दे तो वह भी यज्ञ द्वारा खत्म हो जाता है। तब यदि तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो जिन विषयों के पीछे तुम इंद्रियों की संतुष्टि के लिए भागते फिरते हो
उन्हें ऐसे त्याग दो जैसे तुम विष को त्याग देते हो। इन सब को छोड़कर हे तात, तितिक्षा ईमानदारी का आचरण, दया, शुचिता और सत्य का अमृत पियो, जिसके डांटने से सामने वाले के मन में डर नहीं पैदा होता और प्रसन्न होने के बाद जो सामने वालों को कुछ देता नहीं है और वो ना किसी की रक्षा कर सकता है ना किसी को नियंत्रित कर सकता है, ऐसा आदमी भला क्या कर सकता है। यदि नाग अपना फन खड़ा करे तो भले ही वह जहरीला ना हो तो भी उसका यह करना सामने वाले के मन में डर पैदा कर देता है। यहां यह बात कोई मायने नहीं रखती कि वह जहरीला है कि नहीं। ये तीन बातें याद रखना, सुबह उठकर दिन भर जो दाव आव लगाने वाले हैं उसके बारे में सोचें, दोपहर को अपनी माँ को याद करें और रात को चोरों को ना भूलें, गरीबी पर धैर्य से मात करें, पुराने वस्त्रों को स्वच्छ रखें, बासी अन्न को गर्म करें फिर इनको उपयोग करें। जिसके पास धन नहीं है वो गरीब नहीं है, वह तो असल में रईस है। परिवार का महत्व, बाप मरा तो परिवार खत्म, नंबर दो माँ मरी तो सहारा खत्म, बीबी मरी तो भरोसा खत्म, बाप से अच्छा हमें कोई बाजार नहीं घुमा सकता, माँ से बढ़कर हमें कोई प्यार नहीं कर सकता, भाई से बढ़कर हमें कोई सहारा नहीं दे सकता और बीबी से बढ़कर हम पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। सूर्य और बाप की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि ये दोनों जब डूबते हैं तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है। मौत जिंदगी से कितनी बेहतर है, जिंदा थे तो किसी ने पास नहीं बिठाया, अब खुद मेरे चारों तरफ बैठे जा रहे हैं, पहले कभी किसी ने मेरा हाल ना पूछा, अब सभी आंसू बहाए जा रहे हैं, एक रुमाल भी भेंट नहीं किया जब हम जिंदा थे, अब साले और कपड़े ओढ़ाए जा रहे हैं, सबको पता है कि साले और कपड़े इसके काम के नहीं हैं, मगर फिर भी बेचारे दुनियादारी निभाए जा रहे हैं। कभी किसी ने एक वक्त का खाना तक नहीं खिलाया, अब देसी घी मेरे मुंह में डाले जा रहे हैं, जिंदगी में एक कदम भी साथ न चल सका कोई, अब फूलों से सजाकर कंधे पर उठाए जा रहे हैं। आज पता चला कि मौत जिंदगी से कितनी बेहतर है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा है, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा, जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। समय का कैसा मोड़ है, रात दिन की दौड़ है, खुश रहने का समय नहीं, बस खुश दिखने की होड़ है। चार दुर्लभ गुण, धन के साथ पवित्रता होनी चाहिए, नंबर दो दान के साथ विनय होना चाहिए, नंबर तीन वीरता के साथ दया होनी चाहिए, अधिकार के साथ सेवा भाव होनी चाहिए। चार से चार भाग जाते हैं, देव गुरु के दर्शन से दरिद्रता भाग जाती है, भगवान की वाणी से पाप भाग जाता है, जागते रहने से चोर भाग जाते हैं और मौन रहने से क्रोध भाग जाता है। सर, धन्यवाद।